नमस्कार मैं राम रामबाबू रघुवंशी स्वागत है हमारे नए शो कलम से कलाम तक इस शो के माध्यम से हम आपके साथ देश और दुनिया के कुछ महापुरुषों के जीवन से जुड़े रोचक किस्से साझा करेंगे हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हाँ वेलाइकुन दबाना ना भूलें और आज हमारे मेहमान हैं देश और दुनिया के महान साइंटिस्ट भारत के रत्न डॉक्टर एपीजे कलाम साहब पी जी कलाम साहब के जीवन से जुड़े कुछ रोचक किस्से हम आपके साथ साझा करने जा रहे हैं वैसे आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि कैसे सभी जीव जंतुओं से प्यार करने वाले इतना सरल जीवन जीने वाले डॉक्टर साहब विध्वंसकारी मिसाइल और परमाणु परीक्षण के समर्थक कैसे हो सकते हैं ये जानने के लिए इस वीडियो को, को अंत तक जरूर देखिएगा डॉक्टर साहब का जीवन हमेशा से ही प्रेरणादायक रहा है उनका जन्म 15 अक्टूबर उन्नीस को रामेश्वरम में एक मध्यम वर्गीय तमिल मुस्लिम परिवार में हुआ था उनके पिता का एक नाव का व्यवसाय था और उनकी माता गृहिणी थी उनके माता पिता के जीवन से हमेशा उन्होंने बहुत कुछ विरासत में मिला था जैसे उनके पिताजी से ईमानदारी और आत्म अनुशासन और माँ से ईश्वर में विश्वास और करुणा का भाव यही गुण उनके सभी भाई बहनों को भी मिले थे परिवार में कलाम साहब सबसे छोटे थे वैसे तो कलाम साहब का परिवार पूरा देश ही रहा है एक कलाम साहब का पुस्तैनी घर था जहां पर उन्होंने अपने बचपन के दिन बिताए धार्मिक ज्ञान रामेश्वर मंदिर के सबसे बड़े पुजारी पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी और कलाम साहब के पिताजी दोनों अभिन्न मित्र थे अपने शुरुआती बचपन के दोनों को याद करते हुए कलाम साहब कहते हैं वो दोनों के बारे में मुझे सबसे अच्छी तरह से याद है दोनों अपनी पारंपरिक वेशभूषा में होते और आध्यात्मिक मामलों पर चर्चाएं करते थे जब कलाम साहब प्रश्न पूछने लायक बड़े हुए तो उन्हें पिताजी से नमाज की बारे में पूछा पिताजी ने उन्हें बताया नमाज में रहश्य कुछ भी नहीं है नमाज से लोगों के बीच भाईचारे की भावना संभव हो पाती है वह कहते थे तुम नमाज पढ़ते हो तो तुम अपने शरीर से इतर ब्रह्मांड का एक हिस्सा बन जाते हो जिसमें दौलत आयु जाति या धर्म पंथ का कोई भेदभाव नहीं होता एक वाक्या शास्त्री जी के बारे में भी याद है कक्षा में हमेशा आगे की पंक्ति में जनेऊ पहने उनके पुत्र रमानंद शास्त्री के साथ बैठा करते थे एक बार एक नए शिक्षक आए और एक हिंदू लड़के का मुसलमान लड़के के साथ बैठना अच्छा नहीं लगा उन्हें उन्होंने कलाम साहब को उठाकर पीछे वाली बेंच पर चले जाने को कहा इससे रमानंद शास्त्री जी को भी बहुत बुरा लगा और घर आकर उन्होंने सारी बात लक्ष्मण शास्त्री जी को बताई लक्ष्मण शास्त्री जी ने शिक्षक को बुलाया और एक जुम्मेदार नागरिक होने के नाते उन्होंने समझाया कि इन निर्दोष बच्चों के दिमाग में इस तरह सामाजिक और असमानता एवं सांप्रदायिकता का विष नहीं घोलना चाहिए यह सब शिक्षा उन्हें उनके पिता और पक्षी लक्ष्मण शास्त्री जी से धर्म के बारे में मिली कलाम साहब कहा करते थे महापुरुषों के लिए धर्म दोस्त बनाने का एक तरीका है बाकी लोगों के लिए एक लड़ाई का साधन बचपन के दिनों को याद करते हुए कलाम साहब कहते थे कि वो अपने दोस्तों के साथ जो उनके तीन परम मित्र थे जिनमें एक रामानंद शास्त्री जी थे और एक शिव प्रकाशन तीसरे अरविंदन थे तीनों ब्राह्मण परिवारों से थे पर कलाम साहब के परम मित्र थे कलाम साहब स्कूल के समय औसत दर्जे के छात्र थे जब वो अपनी प्राथमिक पढ़ाई कर रहे थे तो बहुत जिज्ञासु और मेहनती भी थे प्राथमिक शिक्षा समाप्त होने के बाद उन्होंने मैट्रिक की पढ़ाई करने के लिए पास में ही एक रामनाथपुरम जाना पड़ा वो अपने परिवार में सबसे छोटे थे तो सभी बहुत प्यार करते थे पर पढ़ाई के लिए उनको भेजने के लिए तैयार हो गए उनके मैट्रिक के स्कूल में एक विज्ञान के शिक्षक थे अदारुए सोलोमन वो कहा करते थे कि एक कुशल शिक्षक से कमजोर छात्र जो सीख पाता है उसकी तुलना में एक होशियार छात्र कमजोर शिक्षक से कहीं ज्यादा सीख सकता है सोलूमन जी कहा करते थे जीवन में सफल होने के लिए नतीजों को हासिल करने के लिए तुम्हें तीन प्रमुख शक्तिशाली ताकतों को समझना चाहिए पहली इच्छा अपने अंदर इच्छा शक्ति जरूर होना चाहिए दूसरी आस्था अपने आप पर आस्था और विश्वास होना चाहिए तीसरी उम्मीद लोगों की उम्मीदों पर हमेशा खरा उतरना चाहिए मैट्रिक की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो बी की आगे की पढ़ाई करने के लिए बी में उन्होंने बहुत की स्नातक में दाखिला ले लिया जहाँ पर उन्होंने विज्ञान के बारे में कई बातें सीखी जो उनको आगे के लिए प्रेरित किया और एक समय बाद जब उनकी बीएससी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद कलाम साहब ने आत्म विचार किया जैसे बाकी सभी बच्चे करते हैं और कलाम साहब के शब्दों में सेंट जोसेफ कॉलेज में जब मैंने बीएससी में दाखला लिया था तब मैं उच्च शिक्षा के किसी और विकल्प के बारे में बिल्कुल अनभिज्ञ था न ही भविष्य के अवसरों के बारे में मेरे पास वो सूचनाएं थी जो एक विज्ञान के विद्यार्थी के पास होनी चाहिए थी बी के बाद ही मुझे यह महसूस हो गया था की बहुत की मेरा विषय नहीं है मुझे अपना सपना पूरा करने के लिए इंजीनियरिंग में जाना था इंजीनियरिंग में तो इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद भी जा सकते थे तो दुर्घटना से देरी भली मुझे खुद को समझाया और मद्रास ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिले के लिए चक्कर लगाना शुरू कर दिए उस समय दक्षिण भारत में तकनीकी शिक्षा के लिए मशहूर एक विशिष्ट संस्थान था और उसके बाद कलाम साहब ने संस्थान के चयनित उम्मीदवारों की सूची में नाम आ गया लेकिन इस प्रसिद्ध संस्थान में दाखिला लेना काफ़ी खर्चीला था इसके लिए करीब एक हज़ार रुपये की जरूरत थी और कलाम साहब के पिताजी के पास पास इतना भी पैसा नहीं था ऐसे वक्त में कलाम साहब को पढ़ाने के लिए उनकी बड़ी बहन जोहरा आगे आई और उनकी फीस के लिए अपने हाथों के कड़े और हार गिरवी रख दिए वह कलाम साहब को शिक्षित होना देखने का चाहती थी और उनका दृढ़ संकल्प देखकर कलाम साहब को उनकी योग्यता और क्षमता पर भरोसा हुआ कॉलेज के समय में बाकी पढ़ाई बाकी की फीस भरने के लिए कलाम साहब हमेशा अब्बल आते थे और उनको छात्रवृत्ति मिलती थी जिससे वो अपने सपने को पूरा कर पाते थे और ऐसे उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई की इंजीनियरिंग के पढ़ाई के दौरान उन्होंने इंटर्नशिप करने के लिए एच ए एल हॉल जाने का मौका मिला जहां उन्होंने विमान के बारे में जानकारियां सीखी और कॉलेज खत्म होने के बाद कलाम साहब के शब्दों में जब मैं एच एल ए से एक वैमानिक इंजीनियर बनकर निकला तो मेरे सामने नौकरी के दो बड़े अफसर थे और दोनों ही मेरे बरसों पुराने उड़ान के सपने को पूरे करने वाले थे एक अफसर भारतीय वायुसेना में पायलट बनने का था और दूसरा रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पाद निदेशालय में असिस्टेंट इंजीनियर का था कलाम साहब ने दोनों नौकरियों के लिए आवेदन किया और दोनों ही जगह से कलाम साहब को साक्षात्कार के लिए बुलावा बा आया वायुसेना में भर्ती होने के लिए देहरादून पहुंचना था और रक्षा मंत्रालय के लिए साक्षात्कार के लिए दिल्ली जाना था दक्षिण भारत के तटीय इलाके के इस लड़के के लिए दोनों ही काफ़ी दूर थे और 2000 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद कलाम साहब अपनी मातृभूमि की विशालता से ए, उनका एक पहला सरोकार था कलाम साहब कहा करते थे जीवन में कठिनाइयाँ हमें बर्बाद करने नहीं आती बल्कि ये हमारे अंदर छुपी हुई शक्तियों को बाहर निकालने में मदद करती हैं कठिनाइयाँ को ऐ जान लेने दो कि वह आप उनसे भी ज़्यादा कठिन हो कलाम साहब का सफ़र बढ़ता गया और अपने सपने को पूरा करने के लिए कलाम साहब उन्नीस में जब उन्होंने एयरफोर्स के पायलट की परीक्षा दी और अपने सपने के लिए एक कदम और आगे बढ़ गए उन्होंने पहला और दूसरा राउंड आसानी से पास कर लिया और अब साक्षात्कार का समय था साक्षात्कार का जब रिजल्ट आया तो डॉक्टर कलाम साहब क्वालिफायर सूची में नवे स्थान पर थे सेना में केवल आठ ही स्थान थे और यह कलाम साहब की पहली असफलता थी कलाम साहब के शब्दों में इस चैन बोर्ड में बुद्धि की बजाय व्यक्तित्व पर ज्यादा जोर था शायद बेस वे स्पष्ट तौर पर शारीरिक योग्यता को ही देख रहे थे कलाम साहब को पता था कि आने वाले दिन बहुत कठिन और मुश्किल भरे होने वाले हैं और वो बहुत परेशान थे और अपने ऐसे कई सवालों के जवाब चाहते थे कलाम साहब के शब्दों में उनके जीवन में ऐसा समय आया कि वो हताश और निराश हो गए थे और दुनिया से उनका मन भर गया था तब वो देहरादून से ऋषिकेश आए और गंगा नदी में स्नान करने के बाद पास में ही एक आश्रम था स्वामी शिवानंद आश्रम वो वहां पर गए और स्वामी शिवानंद जी से मिले स्वामी जी से मिलने के बाद उन्होंने सारी दास्तान बताई स्वामी जी और बोले अपनी इस दिव्य ऊर्जा पर विश्वास रखो और अपनी नियति को स्वीकार करो इस असफलता को भूल जाओ नियति को तुम्हारा पायलट बनना मंजूर नहीं था अतः असमंजस और दुख से निकलकर अपने लिए सही उद्देश की तलाश करो हो सकता है नियति ने तुम्हें इससे बड़े कार्य के लिए चुना हो स्वामी जी के शब्द सुनकर कलाम साहब को शांति मिली और अब एक समय बाद वो कलाम साहब याद करते हैं कि जो उन्होंने सपना देखा था वो सच भी हुआ उनका सपना जून 2006 को जब तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल कलाम 74 फोर के हो गए चौहत्तर साल के हो गए तो उन्होंने तीस मिनट के लिए लड़ाकू वाईवान सुखोई को उड़ाया और अपने हवाई जहाज उड़ाने के सपने को पूरा किया कलाम साहब हमेशा कहा करते थे सपने वो नहीं जो आप नींद में देखते हैं सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते कलाम साहब की मेहनत से सफलता मिली और सफलता के बाद कलाम साहब ने कहा आप अपना भविष्य नहीं बदल सकते लेकिन अपनी आदतें बदल सकते हैं और निश्चित रूप से ये आद, आदतें आपका भविष्य बदल देंगी और इस तरीके से कलाम साहब का सपना पूरा हुआ और जो कलाम साहब के पास दूसरा अफसर था उसकी तलाश में वो आगे बढ़ गए जब वो दिल्ली पहुंचे तो रक्षा मंत्रालय के तकनीकी विकास एवं उत्पादन निदेशालय का जो उन्होंने इंटरव्यू दिया था उसके नतीजों के बारे में पता लगाया जवाब में कलाम साहब को नियुक्ति पत्र दे दिया गया पहले ही दिन दो सौ रुपए के मूल वेतन पर वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक के पद पर काम संभाल लिया और कलाम साहब ने सोचा स्वामी जी की बात को याद करते हुए अगर यही मेरी नियति है तो इसे होने दिया जाए आखिरकार उनको मन को शांति मिली और हवाई जहाज को उड़ाने का ना सही उस हवाई जहाज को उस लायक बनाने का काम तो उन्हें मिला ही है और यह सोचकर कलाम साहब अपना मन लगाकर काम करने लगे और एक समय बाद उनके काम को देखकर डीआरडीओ में उनको काम करने का मौका मिला डीआरडीओ में उन्होंने पहली स्वदेशी उड़ान बना के लिए एक हावर क्राफ्ट बनाया कलाम साहब के शब्दों में भगवान शिव के वाहन के प्रतीक के रूप में इस हावर क्राफ्ट का नाम नंदी रखा गया इस मॉडल को संपूर्ण आकार एवं रंग दिया जाना हमारी उम्मीदों से परे था हमारे पास केवल एक ढांचा ही था कलाम साहब अपने साथियों से कहा करते थे ए उड़ने वाली मशीन है सनकियों द्वारा बनाई गई नहीं बल्कि इंजीनियरों द्वारा तैयार की किया गया मॉडल इसकी तरफ मत देखिए देखने की नहीं बल्कि उड़ने के लिए बनाई गई है उनकी बातों से प्रेरित होकर रक्षा मंत्री कृष्ण मैनन ने अपने साथ आए अधिकारियों द्वारा व्यक्त की गई सुरक्षा संबंधी चिंताओं को नजरअंदाज करते हुए नंदी में उड़ान भी भरी और इस तरह कलाम साहब का सफर आगे बढ़ता गया और सफलता मिलती गई इसरो इसके बाद इसरो में काम करने का मौका मिला और विक्रम सारा भाई के साथ जो उनके गुरु थे काम करते हुए उन्होंने कई सफल प्रशिक्षण किए और धीरे धीरे समय निकलता गया और उनके अपने सभी प्रियजन उनके साथ छोड़ते गए उनके जीजा जी जलाउद्दीन जिन्होंने बचपन में उन्हें बहुत साथ दिया था उनके पिताजी और उनकी बहन जो उनपे बहुत विश्वास करती थीं और उनके गुरु भी उनका साथ छोड़कर चले गए समय निकलता गया सफलता मिलती गई पर उस सफलता को साझा करने के लिए उनके अपने नहीं थे कलाम साहब के शब्दों में समय धैर्य तथा प्रकृति सभी प्रकार की पीड़ाओं को दूर करने और सभी प्रकार के जख्मों को भरने वाले बेहतर चिकित्सक हैं और सफर आगे बढ़ता गया एक के बाद एक सफलता मिलती गई और एक समय बाद कलाम साहब के जीवन में एक बड़ी विफलता भी आई एस एल बी थ्री एस एल बी थ्री एक ऐसा प्रशिक्षण था जिसकी सफलतापूर्वक होना जरूरी था कलाम साहब उसके डायरेक्टर थे उस समय कलाम साहब के शब्दों में हम एस एल बी थ्री को उड़ता हुआ देखने की उम्मीदें लिए हुए थे लेकिन अचानक एक गड़बड़ी आ गई और उम्मीदों को धक्का लगा रॉकेट का दूसरा चरण नियंत्रण से बाहर हो गया और 317 सेकंड के बाद ही उड़ान बंद हो गई चौथे चरण सहित पूरा यान हरिकोटा से 560 किलोमीटर दूर समुद्र में जा गिरा इस घटना ने हम सबको गहरा धक्का दिया कलाम साहब की नाराजगी और निराशा दोनों हुई अचानक ही कलाम साहब को महसूस हुआ जैसे उनके पैर थम गए हैं उनमें दर्द हो रहा है यह समस्या उनके शरीर में नहीं बल्कि उनके मस्तिष्क में थी उनको अपने पुराने जो सभी प्रोजेक्ट थे वो याद आ गए उनमें नंदी का काम रुक जाना राटो परियोजना बीच में रुक जाना और डायनामार्ट के चौथे चरण को रोक देना ये सभी बातें उनके सामने घूमने लगी कलाम साहब एक सच्चे लीडर भी थे एक सच्चे नेता भी थे एक समय का वाक्य है कि ये नतीजे इसरो के शीर्ष विज्ञानों की वैज्ञानिकों की बैठक में प्रोफेसर धमन के समक्ष रखे गए कि एस एल थ्री क्यों सक्सेसफुल नहीं हुआ और इन्हें स्वीकार किया गया सभी ने स्वीकार किया कि हर कोई इस मिशन की असफलता के इन तकनीकी कारणों से सहमत था और पूरे मामले में सभी का संतोष इस बात पर था कि असफलता से बचने के लिए सभी कदम उठाए गए थे हालांकि कलाम साहब इन कारणों को लेकर संतुष्ट नहीं थे बेचैनी महसूस कर रहे थे कलाम साहब ने जिम्मेदारी लेते हुए बिना किसी देरी के इधर उधर ध्यान दिए अपना निर्णय लिया और खड़े हुए प्रोफेसर धवन से बोले सर हालांकि इस असफलता के लिए मेरे साथियों ने तकनीकी खराबी को माना है दोषी ठहराया है तो भी अंतिम चरण की उल्टी गिनती के दौरान नाइट्रिक एसिड रिसाव को अनदेखा करने की जिम्मेदारी मैं अपने ऊपर लेता हूँ एक मिशन डायरेक्टर के रूप में मुझे इसे रोक देना चाहिए था और संभव था तो उड़ान को सुरक्षित बचा लेने का प्रयत्न करना था अन्य देशों में भी ऐसी स्थिति में मिशन डायरेक्टर को अपने काम से हाथ धोना पड़ता है इसलिए एस एल की असफलता का जिम्मा मैं अपने ऊपर लेता हूं सभी चकित थे और सन्नाटा छा गया प्रोफेसर धवन खड़े हुए और बोले कलाम हम आपको ऐसे नहीं छोड़ेंगे इसको पृथ्वी की कक्षा में स्थापित करके ही छोड़ेंगे और कलाम साहब के शब्दों में आत्मविश्वास और कड़ी मेहनत असफलता नामक बीमारी को मानने के लिए सबसे बढ़िया दवाई है ये आपको एक सफल व्यक्ति बनाती हैं इंसान को जीवन में मुश्किलों की जरूरत है क्योंकि यही मुश्किलें सफलता का सुखद अनुभव कराती हैं और ऐसे ही एक छोटे से रामेशम रामेश्वरमपुरम के एक लड़के की जब कहानी शुरू हुई थी वो एक मिसाइल मैन तक जा पहुंची उन्होंने अपने जीवन में पृथ्वी अग्नि आकाश त्रिशूल और सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें बनाई और अपने देश भारत को एक शक्तिशाली देश बना दिया उन्नीस में उन्हें रक्षा मंत्री के वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया कैबिनेट मंत्री के साथ 1999 में, में उन्हें भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया और कलाम साहब सच में ही भारत के रत्न थे तो उन्नीस में कलाम साहब को भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न प्रदान किया गया जो उनके वैज्ञानिक अनुसंधानों और विज्ञान में तकनीकी विकास में अभूतपूर्व योगदान के लिए दिया गया था कलाम साहब का जीवन हमेशा कठिनाइयों से भरा रहा है पर कुछ अच्छे अनुभव भी रहे हैं उनकी मित्रता अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ हमेशा अच्छी ही रही है और ऐसा ही एक वाक्य है कैबिनेट मंत्री बनने का निमंत्रण कलाम जब अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बने 19 मार्च उन्नीस को तो कलाम साहब को कैबिनेट मंत्री बनने के लिए फोन किया उस समय कलाम साहब अपने दो महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट कर रहे थे एक परमाणु परीक्षण का और दूसरा अग्नि मिसाइल का दोनों हमारे देश के लिए बहुत जरूरी थे कलाम साहब ने वाजपेयी जी के साथ अपने विचार साझा किए और कैबिनेट मंत्री बनने का पद अस्वीकार कर दिया वह अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भी उनकी भावनाओं को समझा और इसके फलस्वरूप उन्नीस में 11 मई को पोखरण में परमाणु धमाके कर दुनिया को बता दिया कि उसे हल्के में लेने की भूल नहीं की जा सकती वो भारत दुनिया की छठी परमाणु ताकत बन गया था अटल बिहारी वाजपेयी जी और कलाम साहब की मित्रता और गहरी हो गई थी और इसी के फलस्वरूप जब कलाम साहब को हमेशा से ही अटल बिहारी वाजपेयी जी के प्रिय रहे हैं एक समय की बात है जब कलाम साहब एक विश्वविद्यालय में पढ़ा रहे थे तो एक छात्र ने डॉक्टर अमृत सेन के बयान पर कलाम साहब से पूछा उस समय नोबेल पुरस्कार विजेता अमृत सेन ने कहा था परमाणु परीक्षण एक वास्तविक गलती थी डॉक्टर एपीजी कलाम साहब ने अमृत सेन जी का के योगदान को सराहा और प्रशंसा की पर उन्होंने कहा हम हमेशा से ही शून्य हथियारों का समर्थन करते आए हैं लेकिन अन्य देशों ने हजारों हथियार विकसित किए हैं जैसे अमेरिका रूस ब्रिटेन चीन यहां तक कि पाकिस्तान ने भी कलाम साहब ने कहा दो हजार वर्षों के इतिहास में भारत पर 600 सौ वर्षों तक अन्य लोगों ने शासन किया है यदि आप विकास चाहते हैं तो देश में शांति की स्थिति होना आवश्यक है और शांति की स्थापना सख्ती से होती है इसी कारण हमने परमाणु परीक्षण किया है ताकि हमारा देश शक्ति संपन्न हो सके ऐसा ही एक और वाक क्या था कलाम साहब के मित्र सेवा सेवानिवृत्त एडमिरल एल रामदास जो नेवल के प्रमुख भी थे उन्होंने कलाम साहब से कहा हम हमारी टीम के साथ के के साथ लिए जा रहे हैं परमाणु परीक्षण के विरोध में डॉक्टर कलाम साहब ने जवाब दिया पहले आपको आपकी टीम के साथ व्हाइट हाउस जाना चाहिए वहां हजारों परमाणु हथियार हैं ऐसे ही थे हमारे कलाम साहब जब बात देश की आती थी तो वो हमेशा देश को सबसे पहले रखते थे इसीलिए उनको अपने जीवन में एक के बाद एक सफलताएं मिलती गईं और एक समय बाद वो जनता के सबसे प्रिय राष्ट्रपति भी बने ऐसा भी समय आया 25 जुलाई 2002 को जब उनके मित्र अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे और जब कलाम साहब एक यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे थे अन्ना यूनिवर्सिटी में अपने बच्चों को पढ़ाकर जैसे ही बाहर निकले तो उनके सामने यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रोफेसर कलानिधि उनके सामने खड़े थे यह देखकर वह हैरान थे कला निधि ने उनसे कहा कि उनके लिए दिल्ली से फोन आया है कोई उनसे बात करना चाहता है इसके बाद जैसे ही कलाम कमरे में पहुंचे तो देखा कि उनका टेलीफोन बज रहा था फोन उठाने पर उनसे कहा गया कि प्रधानमंत्री जी आपसे बात करना चाहते हैं जब कलाम साहब ने फोन पर बात हुई प्रधानमंत्री जी से तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने उनसे बेहद सामान्य तरीके से पूछा कलाम आपका आकादमिक जीवन कैसा चल रहा है कलाम साहब ने जवाब दिया शानदार चल रहा है इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा हमारे पास आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण खबर है हमने सर्वसम्मति से निर्णय लिया है कि राष्ट्र को राष्ट्रपति के रूप में आपकी जरूरत है मुझे है आज रात को यह घोषणा करनी है मैं आपकी सहमति लेने आया हूं कलाम साहब सुनकर भविष्य की छबियों में घिर गए एक और हमेशा छात्रों और शिक्षकों से घिरा हुआ पाना चाहते थे जो उनका सपना था और दूसरी तरफ उनके सामने देश के लिए सांसदों को संबोधित करते हुए दिख रहा था कलाम साहब के दिमाग में कई चीजें घूम रही थी एक साथ एक राष्ट्रपति पद के लिए भी जब उनके सामने एक अफसर आया तो कलहम साहब ने क्या कहा ए, उनकी महानता को दर्शाता है उन्होंने पीएम से कहा आप निर्णय लेने के लिए मुझे दो घंटे का समय दे सकते हैं और दूसरी बात यह भी जरूरी है कि यह पद के उम्मीदवार के रूप में मेरे नामांकन पर सभी राजनीतिक दल की सर्वसम्मति हो अगले दो घंटों तक कलाम साहब ने उनके करीबी दोस्तों से टेलीफोन पर बात की और विचार विमर्श किया जिसमें सिविल सेवाओं और राजनीतिक और अकादमिक क्षेत्र के लोग थे सभी ने उनको समझाया कि ये उनका जो विश्व गुरु का सपना है जो देश को 2020 में उन्होंने एक सपना देखा था विश्व गुरु बनाने का उसमें ये मदद करेगा तो यह सब सोचकर कलाम साहब ने दो घंटों बाद प्रधानमंत्री जी से फिर फोन पे जुड़े और कहा वाजपेयी जी मैं इसे एक महत्वपूर्ण मिशन मानता हूँ और मैं उम्मीदवार बनने के लिए तैयार हूँ यह सुनकर पीएम ने उनकी हां सुनकर धन्यवाद दिया और ऐसे ही थे हमारे कलाम साहब उनका जीवन हमेशा से ही बहुत सरल रहा है एक और क्या है एक समय एक कुछ महत्वपूर्ण बात पर डिस्कशन हो रहा था कलाम साहब जब राष्ट्रपति थे वहाँ से निकल के गुजर रहे थे आ, कलाम साहब ने बातें सुनी और वो रुक गए वहाँ पर कुछ उनके हिसाब से बात करना ज़रूरी समझा और वो सभी के सामने फर्श पर बैठ गए और इतने आराम से अपनी बात कहते रहे दुनिया का ये पहला मामला था कि कोई राष्ट्रपति फर्श पर बैठ कर इतने आराम से बात कर रहा हो ऐसे और भी कई किस्से हैं कलाम साहब के जैसे आईआईटी वाराणसी में मुख्य अतिथि बनकर गए थे तब भी राष्ट्रपति थे और मंच पर पांच कुर्सी रखी हुई थी उनमें कलाम साहब के लिए एक बड़ी कुर्सी रखी थी तो उन्होंने बैठने से मना कर दिया इसके अलावा जब वो उन्नीस में डी के डायरेक्टर थे तो डी की दीवारों पर कुछ कांच के टुकड़े लगाना थे सुरक्षा के लिहाज से पर उन्होंने वो लगाने से मना कर दिए वो बोले पक्षियों को इस पे बैठने में परेशानी होगी और ये उनके लिए नुकसानदायक भी होगा ऐसे थे कलाम साहब की जिंदगी एक उनका जो बहुत बड़ा सपना था जब वो राष्ट्रपति थे कि ये ग्रामीण इलाकों में भी शहरे शहर जैसे कुछ बेसिक फैसिलिटी होना चाहिए तो उसके लिए उन्होंने एक मिशन बनाया हुआ था पूरा प्रोवाइडिंग अर्बन कम्यूनिटीज इन रूरल एरियाज और उन्होंने इस ट्रस्ट को अपनी पूरी संपत्ति दान कर दी थी किसी ने उनसे पूछा भी था कलाम साहब आप अपनी संपत्ति दान कर रहे हैं अपने लिए कुछ नहीं बचाते हैं तब कलाम साहब ने कहा था मैं तो देश का राष्ट्रपति हूं और इस हिसाब से मेरी पूरी जिंदगी देश के लिए रहेगी मुझे क्या जरूरत है इस पैसे की और ऐसे महापुरुष के लिए हमें पुरस्कार और सम्मान तो मिलना ही था जब वो उनहत्तरवें जन्मदिन को संयुक्त राज संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व विद्यार्थी दिवस के रूप में मान्यता दी गई तो ये उनके लिए सबसे बड़ा सम्मान था कलाम साहब का जीवन में कई पुरस्कार उनको मिले हैं उनके काम के लिए पद्म विभूषण पद्म भूषण भारत रत्न और कई देश विदेशों से भी उनको बड़े पुरस्कार मिले हुए हैं राष्ट्रपति पद पत के जब उनका समाप्त हुआ तो उसके बाद भी दूसरे कार्यकाल के लिए कई नेता उनके पास आए थे पर उन्होंने सभी की सहमति से बनने के लिए कहा और फिर उन्होंने त्यागपत्र दे दिया था अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद और वो विश्वविद्यालय में एक प्रोफेसर के रूप में पढ़ाने लगे देश विदेश के कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया और एक समय आया जब डॉक्टर कलाम साहब आई एम सिलोंग में एक लेक्चर के दौरान उन्हें हार्ट अटैक आ गया कलाम साहब को अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका कलाम साहब का दुनिया से चले जाना देश के लिए एक बहुत बड़ी क्षति थी उनकी मौत ने जहाँ हमें देश और दुनिया को दुखी किया वहीं उनका जीवन हमारे लिए मार्गदर्शक से कम नहीं है उनका पूरा जीवन हमारे लिए एक सीख थी ये सभी पुस्तक हैं जो कलाम साहब के जीवन आ, की बातें इनमें हैं और आने वाली पीढ़ियों को हमेशा प्रोत्साहन और शक्ति प्रदान करती हैं ये पुस्तकें ज़रूर पढ़नी चाहिए और जय हिंद जय जै भारत